जी स्टूडेंट्स, हम लोग अलाइज़ा को स्टडी कर रहे थे। तो पहले हम लोग अपना जो अलाइज़ा का फंक्शन है इसको देखते हैं। अलाइज़ा का फंक्शन क्या है जी? प्रॉम्प्ट में वैल्यू लेता है और रूल्स और डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सेज लेता है। रूल्स के अगेंस्ट जो भी डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सेज होती हैं, ठीक है। और ये जो आपको एक लूप नज़र आ रहा है, वाइल का लूप, ये ट्रू लूप है और ये उस टाइम तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आप अपने उसको प्रोग्राम को क्लोज नहीं करते, ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। इसके अंदर यूज़र इनपुट, यूज़र से इनपुट आएगी फ्रॉम डॉट अपर, जो भी इनपुट आएगी वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी और यूज़र इनपुट में स्टोर हो जाएगी। इफ़ नॉट यूज़र इनपुट कंटिन्यू, अगर वो इनपुट नहीं करता तो कंटिन्यू रहेगा और एक्सेप्ट ब्रेक कर देगा। प्रिंट क्या कराएगा जी? रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड का फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है। रूल्स वन, रूल्स वन वो रूल्स हैं जो हम लोगों ने ऊपर रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। हमने पहले रूल्स डिफाइन करने हैं, वो इसको पास करने हैं, फिर यूज़र इनपुट जो आएगी वो हम इसको पास करेंगे, फिर डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सेज जो होंगे वो हम इसको पास कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सेज जो हम लोग रूल्स के बाद हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सेज डिफाइन किए थे वो वाले। ये हमारा है जी अलाइज़ा का फंक्शन। अब हम देखते हैं अपना रिस्पॉन्ड का फंक्शन किस तरह से कॉल कर रहे हैं। सारे की सारी हमारी जो मेन लॉजिक है वो रिस्पॉन्ड के फंक्शन में है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स का फंक्शन रूल्स एज ए आर्गूमेंट लेता है, फिर इनपुट लेता है जो यूज़र इनपुट करेगा, और देन फिर डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सेज एज ए आर्गूमेंट लेगा। जो इनपुट आई है सबसे पहले वो उसको स्प्लिट करता है, इनपुट को स्प्लिट करता है, मैच पैटर्न अ लिस्ट ऑफ टोकन, मैचिंग रूल्स जो होते हैं उनकी एक लिस्ट बनती है, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट मैचिंग रूल्स की। तो जो हमारे पास फॉर का लूप अप्लाई हुआ है वो रूल्स के ऊपर फॉर का लूप अप्लाई हुआ, और जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं और पैटर्न्स हैं, पैटर्न इज इक्वल टू पैटर्न डॉट स्प्लिट, उसको स्प्लिट करके पैटर्न्स में स्टोर कराते रहेगा, एक एक पैटर्न को चेक करते जाएंगे और बाइंडिंग्स में ऐड होता जाएगा मैच पैटर्न्स के थ्रू, इनपुट जो भी होगी हमारी, ठीक है। इफ़ बाइंडिंग्स मैच रूल डॉट अपेंड, ये मैच रूल जो हमारी लिस्ट थी इसको ये सारे के सारे रूल्स अपेंड हो जाएंगे, ठीक है, और रिस्पॉन्सेज और बिल्ड बाइंडिंग्स इसको एज ए आर्गूमेंट पास हो जाएगी। इनकी बेसिस पे ये रिस्पॉन्स, कोई ना कोई रिस्पॉन्स और बाइंडिंग्स जो होगी वो इसके अंदर लिस्ट में ऐड हो जाती, अपेंड होता जाएगा। इफ़ मैचिंग रूल्स, अगर तो रूल मैच कर जाते हैं, ये जो मैचिंग रूल्स में कोई वैल्यू है तो रिस्पॉन्स चेक किया जाएगा, रिस्पॉन्स बाइंडिंग रैंडम डॉट चॉइस, जो उसके अगेंस्ट जो भी बाइंडिंग हुई हुई है उसमें से कोई ना कोई रैंडम चॉइस सेलेक्ट की जाएगी मैचिंग रूल्स में से, ठीक है, और रिस्पॉन्स करेगा रैंडम डॉट चॉइस रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सेज जितने भी हमारे रिस्पॉन्सेज हैं उनमें से कोई ना कोई उस रूल के अगेंस्ट एक रैंडम चॉइस, क्योंकि एक रूल के अगेंस्ट मल्टीपल चॉइसेज हमने रिस्पॉन्सेज रखे थे, तो उसमें से कोई रैंडम जो हमारी क्लास है रैंडम क्लास को यूज़ करते हुए वो रैंडमली रिस्पॉन्स कर देगा। और एल्स में बाइंडिंग जो होगी हमारी वो बाइंडिंग सेट और रिस्पॉन्स डिफ़ॉल्ट डॉट रिस्पॉन्स ज़ीरो हो जाएगा, कि जो वैल्यू है वो रिस्पॉन्स में स्टोर हो जाएगी। देन फिर हमारा जिस एक और लूप हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ये लूप जो है वेरिएबल्स वैल्यूज इन बाइंडिंग आइटम्स, बाइंडिंग आइटम्स के ऊपर अप्लाई हुआ हुआ है और इसमें से वैल्यू चेक कर रहा है। वैल्यू अगर स्पेस डॉट ज्वाइन स्विच व्यू पॉइंट वैल्यू के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और इफ़ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट रिप्लेस, रिप्लेस यहाँ पर वो उसको रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि हमारे जो लिस्ट में वैल्यूज़ होती हैं वो वेरिएबल्स, सेगमेंट वेरिएबल्स या लॉजिकल वेरिएबल्स की फॉर्म में नहीं होती। यूज़र तो सिंटैक्स इंटर करता है और वो इसको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐड करके उसको वेरिएबल्स बना रहा है, ताकि कोई ना कोई हमारा जो है वेरिएबल्स जनरेट कर रहा है उसको, ठीक है, देन रिटर्न कर रहा है रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स हमें शो हो रहा है। तो इसको हम देखते हैं कि एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो रूल्स थे, ये हमारे पास मल्टीपल रूल्स थे, इनके अगेंस्ट ये किस तरह से आंसर करते हैं। जब भी आप लोगों ने अलाइज़ा का ये कोड लिखना है तो इसके लिए आप लोगों को पैटर्न मैच जो है हमारी पैटर्न मैचिंग के सारा कोड वो पूरे के पूरा ऊपर लाजमी लिखना है, क्योंकि ये उन्हीं को ही यूज़ कर रहा है बहुत जगह पर,
उसी टेक्निक को यूज़ कर रहा है, वही फंक्शंस हमारे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो पैटर्न मैचिंग की जो है आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर अलायदा लिखा हुआ आ गया। अब हम इसको कॉल करते हैं लाइक, हेलो माय नेम इज अली। जब ये लिखा तो ये देखें हमारे पास दो रूल्स पास हुए हैं, एक तो रूल हमारे पास हेलो का रूल भी है और नेम इज़ का रूल भी अप्लाई हो रहा है। तो इसमें से रैंडम चूज़ करेगा और फिर हम देखते हैं क्या रिस्पॉन्ड करता है। हाउ डू यू डू, प्लीज़ स्टेट योर प्रॉब्लम। तो ये जो हमारे पास है, हाउ डू यू डू प्लीज़ स्टेट योर प्रॉब्लम, हेलो के बाद हम लोगों ने ये मतलब इसने हेलो का जो हमारा रूल था उसको रैंडमली चूज़ किया है और उसके अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्स कर दिया। देन फिर हम लिखते हैं आई वांट टू नो कंप्यूटर। तो इसके अगेंस्ट हम चेक करते हैं, जब हमने ये लिखा आई वांट टू नो कंप्यूटर तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मशीन्स, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर्स जब इसने मैच किया कंप्यूटर्स को और इसके अगेंस्ट ये कंप्यूटर्स रूल्स में था, तो इसके अगेंस्ट हमें कोई ना कोई इसने एक रैंडम जो हम लोगों ने रिस्पॉन्सेज रखे हुए थे उनमें से एक रैंडम रिस्पॉन्स चूज़ किया, और वो कौन सा वाला लास्ट वाला व्हाट डू यू थिंक अबाउट मशीन सेकेंड वाला जो हमारा रिस्पॉन्स था वो रैंडमली चूज़ किया और हमें शो करा दिया। देन हम लिखते हैं आई नीट, जब हमने ये एंटर किया तो यहाँ पर हम लोगों ने नीट का एक रोल अप्लाई किया हुआ था, तो ये देखें हम लोगों ने लिखा आई नीट मनी। सो आई जो था वो ये जो हमारा सेगमेंट था इसको असाइन हो गया, और जो मनी था वो इस वाई सेगमेंट को, वाई वेरिएबल्स को, सेगमेंट वेरिएबल्स को असाइन हो गया। और फिर हमारा जो रिस्पॉन्स था वो इसी तरह से आया, व्हाट इफ़, और आई जो था वो कन्वर्ट हो गया यू में, रिप्लेसमेंट फंक्शन हमारा कॉल हुआ यहाँ पर, और आई यू में कॉल हो गया यू गेट, और ये यहाँ पर जो था मनी हम लोगों ने लिखा था वो मनी यहाँ पर वाई वेरिएबल था तो वो वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। इस तरह से ये जो हमारा अलाइजा है ये इस तरह से हमें रिस्पॉन्स करता है। हम मल्टीपल रूल्स डिफाइन कर सकते हैं तो इस तरह से अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट वर्क करवा सकते हैं, कोई भी सिचुएशन के हिसाब से हम कुछ भी रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। ये इस वीक का हमारा जो टॉपिक था अलाइजा, हम लोगों ने देखा अलाइजा किस तरह से, अलाइजा प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है, और पैटर्न मैचिंग लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था। पैटर्न मैचिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जो अलाइजा केस स्टडी है वो पैटर्न मैचिंग को ही यूज़ कर रहा है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।